दोस्तों टाइटैनिक अपने समय का सबसे बड़ा जहाज था, जिसे 3000 वर्कर की टीम ने इस तरह से बनाया था कि चाहे कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना आ जाए ये जहाज नहीं डूबेगा। लेकिन 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकराने के कारण दो हिस्सों में टूटकर डूब गया था और 111 साल पहले डूबा टाइटैनिक आज भी नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर नीचे पड़ा है। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि टाइटैनिक अब गायब होता जा रहा है और साइंटिस्ट का कहना है कि 2050 तक ये पूरी तरह से गायब हो जाएगा। दरअसल इतने लंबे टाइम तक पानी में पड़े रहने की वजह से इसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है, जिसकी वजह है बैक्टीरिया जो कि हर रोज टाइटैनिक का लगभग 50 किलो आयरन खत्म कर देते हैं और एक दिन इसका नामो निशान भी मिटा देंगे। शोधकर्ताओं का कहना है कि अगर इसे बचाने के लिए टाइटैनिक को बाहर निकाला गया तो इसकी कंडीशन को देखते हुए इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। वैसे दोस्तों क्या आप इस समय के सबसे बड़े जहाज का नाम जानते हो तो कमेंट करके जरूर बताना।